नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 48। आज हम गिरते हुए शिक्षा के स्तर पर और नैतिक मूल्यों में गिरावट के मुद्दों पर बात करेंगे। पेश है ये खास रिपोर्ट। शिक्षा के स्तर को कैसे सुधारा जाए और नैतिक मूल्यों में गिरावट का जिम्मेदार कौन के मुद्दे पर स्कूल व शिक्षा विदों से आइए दिखाते की गई बातचीत। मैं मनमोहन, साई इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल का चेयरमैन कम प्रिंसिपल। शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए पब्लिक स्कूल्स जो मेनली हैं वो तो वर्क कर ही रहे हैं। बड़ी चीज है कि सरकार को अपनी तरफ से इसमें पहल करना बहुत जरूरी। सरकार अपनी तरफ से पहल करे तो इस चीज को कवर किया जा सकता है। सरकार को पहल करने के लिए सबसे पहले संस्कारों से युक्त, पढ़ाई से युक्त टीचर्स अपॉइंट करे। टीचर्स जो आज भर्ती होके आ रहे हैं सरकारी स्कूल्स में, उनका सिर्फ सैलरी को लेने का ध्यान तो रहता है, पढ़ाई के स्तर सुधारने के लिए वो बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे। बड़ी चीज़ है कि उनको ज्वाइन कराने के बाद उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रेगुलर बेसिस पे ऑर्गेनाइज किए जाएं और उन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में उनका स्किल डेवलप करके बच्चों को कैसे संस्कार दिए जाएँ, कैसे पढ़ाई के स्तर को सुधारा जाए, उसके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। मैं तो समझता हूँ कि ये तीनों ही लोग, संस्कार जो गिर रहे हैं आज, तीनों ही लोग जिम्मेदार हैं। परिवार के पास समय नहीं है बच्चों को देने के लिए, जब समय नहीं है तो संस्कार कहाँ से देंगे। स्कूल्स पब्लिक स्कूल्स हैं वो संस्कार कम, पढ़ाई के ऊपर विशेष ध्यान दे रहे हैं, जबकि प्राइमरी एजुकेशन में संस्कार सबसे पहले देना जरूरी है, पढ़ाई उसके साथ साथ आगे दी जा सकती है। दूसरा विद्यालय का मैंने बताया, तीसरा सरकार का तो संस्कारों की तरफ बिल्कुल रुझान है ही नहीं, इसको तो आप जीरो समझिए। इसलिए सरकार को भी इसमें पहल करके कुछ एम्प्लॉयज़ स्पेशली मॉरल एजुकेशन को एजुकेट करने के लिए स्कूल्स में अपॉइंट करने चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है। नहीं, एडल्ट एजुकेशन तो बहुत ज़रूरी है कि आज जो माहौल है या जो आज परिस्थितियाँ हैं, एडल्ट एजुकेशन तो 10 इयर्स प्लस में बच्चों को दे देनी चाहिए। और वो 10 इयर्स फिफ्थ क्लास से शायद शुरू हो जाता है, उसमें स्पेशली टीचर्स ऐसे अपॉइंट किए जाएं या स्पेशल एजुकेटर्स ऐसे लेके आए जिसमें कम से कम एक या दो घंटे का सेशन पर वीक हो। खास तौर से लड़कियों के लिए एडल्ट एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। मनमानी फीस तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ स्कूल्स होंगे, लेकिन ज़्यादातर तो अपने एरिया को देख के ही फीस तय करते हैं और उसी हिसाब से वसूलते हैं। खबरों में इतना ही, देखते रहिए न्यूज 48।